हेलो गाइस, मूवी सफर APS पोर्टल एंड सूर्योदय एशियन फाइनेंशियल बैंक कंपनी के तरफ से आज हम आपको कुछ ज़रूरी जानकारी बताएंगे। वो किस प्रकार काम करता है, उसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, साथ में उसमें आपको क्या अच्छा फीचर मिलता है क्या खराब फीचर मिलता है, हम आपको सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब एंड लाइक बटन को प्रेस जरूर करें, आप लोगों को ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। मूवी सफर APS पोर्टल B2B पोर्टल है जिसमें आपको कई सारे सर्विसेज मिल जाता है, जैसे कि पैसे निकासी, डिपॉजिट करना, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी, मनी ट्रांसफर, DMT, कई सारे सर्विसेज मिल जाता है। और इसी में अब जो है सूर्योदय एशियन फाइनेंशियल बैंक कंपनी ऐड हो चुका है, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी में अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे। दोस्तों, मूवी सफर APS पोर्टल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या ये है मूवी सफर APS पोर्टल लेने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, या तो फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर आपको किसी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके एरिया यानी कि आपके दुकान में आके वेरीफाई करके लाइव फेस टू फेस आपका मूवी सफर का APS पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर देगा, जो 24 घंटे में आपका ID एक्टिव हो जाएगा। मूवी सफर APS पोर्टल वैसे ऑफिशियल चार्ज 1180 रुपया है, लेकिन कई सारे बंदा या फिर कई सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पहले से ही बहुत सारे रिटेलर ID को परचेज करके रखा है, तो वो बंदा फ्री में ID को दे रहा है और कोई पैसा लेता है। एंड अगर आप सूर्योदय एशियन फाइनेंशियल बैंक CSP को लेना चाहते हैं या फिर एक्टिव कराना चाहते हैं तो आपको अलग से पैसा लगेगा और अलग से आपको उसका KYC करना पड़ेगा, जो आपके पास फिर से वो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जाके आपका लाइव फेस स्कैनिंग करके आपका डायरेक्टली पूरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके ID कर देगा, जो 5 से 7 दिन में आपका ID एक्टिव हो जाता है। जैसे कि सूर्योदय एशियन फाइनेंशियल बैंक कंपनी का अभी आसाम से बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है और आसाम में बहुत ही जल्दी आज या कल के अंदर मेरा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आएगा और आप चाहे तो मूवी सफर सूर्योदय एशियन फाइनेंशियल बैंक कंपनी के तरफ से CSP को ले सकते हैं। मूवी सफर APS पोर्टल तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको सूर्योदय CSP एक्टिव करने के लिए 5,900 रुपया लगेगा। कई सारे बंदा 6,000 लेता है, 7,000 लेता है, 5,000 लेता है, मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता, जो मुझे जानकारी है 5,900 रुपया आपको लगेगा, टोटल 6,000 रुपया देना पड़ेगा, जाने आने का भाड़ा और सब कुछ टोटल मिला के 6,000 रुपया ही देना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा बहुत सारे कॉमेंट और मैसेज आया और बोल रहा है कि मूवी सफर APS पोर्टल के तरफ से जो सूर्योदय CSP मिलता है वो 1150 में, 1650 में, 2000 में, 2500 में मिल जाता है, तो आप इतना प्राइस क्यों लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वो 1650 या फिर 2000 1150 में लेता है तो सिर्फ आपका मूवी सफर का ID एक्टिव करके वो चला जाएगा, उसके बाद आपके पास से अलग से फिर से 5,900 रुपया लेगा और आपका ID कर देगा, तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, जो बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा। दोस्तों, ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, सबसे पहले आपको बात करना होगा मूवी सफर के जरिए मुझे डायरेक्टली CSP लेना है, टोटल कंप्लीट करके देना है, उसका क्या प्राइस लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मूवी सफर के द्वारा जो सूर्योदय CSP मिलेगा उसमें आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या मिलेगा, अच्छा सर्विसेज क्या मिल जाता है। अगर आप मूवी सफर के द्वारा सूर्योदय CSP लेते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप खुद से ATM किट ऑर्डर कर पाएंगे। बैंक पासबुक किट ऑर्डर करने के लिए आपको किसी के पास जाना नहीं है, ना ही आपको किसी से संपर्क करना है, आप खुद से अपना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, अपना पोर्टल के जरिए खुद से किट ऑर्डर कर पाएंगे, जो एक किट का 100 रुपया प्राइस लेगा और 7 से 5 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे होम डिलीवरी कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप उसका अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो उसका आपको 100 रुपया बैक मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट है, आप वहाँ से माइनर अकाउंट यानी कि 10 साल से ऊपर और 17 साल से नीचे का खाता कर सकते हैं, जो आपका 0 बैलेंस 0 मेंटेनेंस खाता बनेगा। तीसरा सबसे बेनिफिट ये है कि आपका जो भी मूवी सफर के जरिए सूर्योदय का अकाउंट ओपनिंग करेंगे उसी बैंक खाते में अगर कस्टमर मेंटेनेंस करके रखते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा। जैसे कि अगर आपका कस्टमर 1,000 रुपया मेंटेनेंस करता है तो आपको 1 रुपया तक का कमीशन हर महीना मिलता रहेगा। सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक CSP इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि NovoPay का ID जो भी लिया है, अगर वो किट ऑर्डर करते हैं तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करना होता है और किट को ऑर्डर करना होता है, उसके बाद भी आपका 2 महीना 3 महीना 15 दिन 1 महीना लग जाता है, उसके बाद भी आपका किट जल्दी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ से अनलिमिटेड किट ऑर्डर कर पाएंगे, क्योंकि मूवी सफर के जरिए अगर आप सूर्योदय CSP लेते हैं तो ये किट आपका NovoPay वाले CSP में काम नहीं करेगा। एंड NovoPay का जो किट रहेगा और मूवी सफर सूर्योदय CSP में वो किट काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आप NovoPay के जरिए सूर्योदय का किट ऑर्डर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी में स्टॉक नहीं है या फिर आपको नहीं दे पाते हैं, वैसे में आप मूवी सफर के जरिए सूर्योदय का किट बहुत ही आसानी में ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो आज भी आप ऑर्डर कर पाएंगे, जो 4 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर बाय पोस्ट आपके पास आ जाए।
जाएगा। दोस्तों अब हम जानेंगे मूवी सर्वर का जरिया अगर आप एपीएस पोर्टल या फिर सूर्योदय सीएसपी लेते हैं तो आपका नुकसान क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मोबाइल के जरिए आप अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाएंगे। आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना जरूरी है। दूसरा नुकसान यह है कि अगर आप मूवी सर्वर एपीएस पोर्टल के जरिए किसी का भी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको मिनी स्टेटमेंट में कमीशन नहीं देता है। हालांकि दूसरा एपीएस पोर्टल आपको मिनी स्टेटमेंट में कमीशन देता है, 1 रुपया तक देता है। सबसे बड़ा समस्या यह है कि मूवी सर्वर के जरिए अगर आप सूर्योदय फाइनेंशियल बैंक का सीएसपी लेते हैं तो वहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का ओडी अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन करके खुद से उसी एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर पाएंगे। जितना भी आप विड्रॉ करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, मिनी स्टेटमेंट या फिर डिपॉजिट जितना भी करेंगे, आप मूवी सर्वर एपीएस पोर्टल के माध्यम से ही करना पड़ेगा, जो आईसीआईसी कंपनी के तरफ से लिंकेड रहते हैं। और आपको अपना खुद से सूर्योदय एशियन फाइनेंशियल बैंक अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। उसी अकाउंट एटीएम कार्ड को, डेबिट कार्ड को एक्टिव करके वहां से आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, जो मूव टू बैंक अलग से आपको करना होगा। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं, इसके बारे में और भी विस्तार में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे मेल आईडी है, वहां पे जाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और क्या आपका रिक्वायरमेंट है सब कुछ लिख के आपको सेंड करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा।